कोई भी इंसान विदाउट पेपर विदाउट वर्क परमिट के नहीं जा सकता, वो है प्रभु का घर। जब इस बात लोग से जाएंगे तो उसका साधन जरूर ढूंढना चाहिए। कितने ही महापुरुष हैं इस दुनिया में जो अच्छी सेहत देते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, उनसे संपर्क में बने रहें और अपने दिल से दुआ करें कि विश्व में पूरी दुनिया में शांति हो, वायलेंट को ख़त्म किया जाए, लड़ाई से कोई समाधान नहीं निकलता है। मेरे भाई, आज किसान भाई भी बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, धरना दिए, मोदी साहब बहुत अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग खुश भी हैं उनसे और कुछ लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन जो जो गेम खेलने वाले लोग हैं ना, उनसे बचें और अच्छी सोच रखें, अच्छा शरीर अच्छा स्वास्थ्य रखें। वो तभी होगा जब आप पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सुबह उठेंगे। अक्षय कुमार देखिए, हमारे बॉलीवुड के स्टार जो हैं, वो देखिए रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं। उनको कोई पार्टियों से लेना देना नहीं, कोई क्लबों से लेना देना नहीं है, और वो भी एक इंसान है। देखिए, अब उनको पूछिए आप कभी गुरुद्वारा मस्जिद या मंदिर में जाते हैं, बोले मन मंदिर तन वेश कलंदर कट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म ना आवा। ये एक कुर्बानी की बात है। तो आइए आगे समुंदर और सरोवर में चले। सुखिंदर पंडित जी रहे जी, सुखिंदर सिंह पिंकी कहते हैं मुझे प्यार से, पिंकी मेरा पेट नेम है। अच्छा, है ना। हाँ जी, और नामदारी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ और यहीं से हरि मंदिर से ही मेरी शुरुआत हुई है। तबला सीखना शुरू किए और उस्तादों की प्राप्ति हुई और फिर पंडित किशन महाराज जी के पास मैं चला गया 1977 में और 18 साल मैं रह गया वहाँ पे बनारस में। ये मेरे गुरु जी की दी हुई मेरी माला है, ये रुद्राक्ष, तो इसमें भी बहुत सिद्ध माला है ये। और वैसे तो नामधारी जो माला आपने पहनी हुई है तो वो हम लोग फेरते हैं, लेकिन कुछ मंत्र जाप होते हैं जो रुद्राक्ष में ही किए जाते हैं, तो ये हमारी एक सीक्रेट बात है। तो और इधर से आपने चालू किए जी, यहाँ से चालू किए मेरे बाबा निहाल सिंह जी जोड़ी के उस्ताद, जो कि पखावच बजाते थे, जोड़ी जिसको कहा जाता है, जोड़ी पखावच, तो यहीं से बस शुरुआत की। मैंने छोटा सा था, आज से 1965 का मेरा जन्म है, तो 5 साल के थे, 5 साल का था मैं, यहीं पे बैठ के रियाज करता था। तो उसके बाद पंडित कृष्ण महाराज जी के पास चला गया 1977 में, तो 18 साल मैं रह गया वहाँ पे। तो ये सरोवर देखिए बड़ा डेवलप हो गया भी नामधारी, यहाँ पे पूरा कच्चा रास्ता हुआ करता था, कोई पक्का बिल्डिंग नहीं था यहाँ पे, सब कच्चा था सब, और इतना इतना बड़ा वो बखड़ा कांटे वांटे थे और पैदल चलना मुश्किल था। वो बहनी साहब, तो आज का बहनी साहब हमें बड़ा, ये सब 10 साल में हुआ? नहीं नहीं नहीं, 10 साल में तो अभी डेवलपिंग हुआ, ये तो बहुत साल पहले, मतलब समझिए 40 साल पहले इसका डेवलपिंग शुरू हो गई थी। अच्छा जी, सदगुरु जगजीत सिंह जी ने बहुत मेहनत किया है और बहुत ही, और बाहर के जितने लोग हैं हमारे समाज के जुड़े हुए, उनका योगदान भी बहुत है, क्योंकि एक हुक्म कर देते हैं सदगुरु जी तो लाखों करोड़ों रुपया भेजते हैं। अभी तो सरकार भी कुछ मदद करने लगा है धीरे धीरे, तो लेकिन अपने आप में सक्षम है नामधारी दरबार के लोग, तो उनको किसी की मदद नहीं, वो अपने आप ही करते हैं जो हुक्म हो जाता है सदगुरु जी का। बिल्कुल, और उन आपका और सदगुरु जी का संबंध के बारे में कुछ? हमारा संबंध ये है कि जी देखिए, हमारे फादर संत संतोख सिंह जी, वो क्या छोटी आजू से ही जुड़े हुए हैं इस पंथ से। तो हम लोग तीन भाई हैं, बड़े मेरे वोकलिस्ट हैं सुखदेव सिंह जी, छोटे मेरे सितार बजाते हैं और सेंट हैं, बैचलर हैं, उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया। तो उन्होंने हाथ मांग लिए, बोले कि भाई हमारे माँ बाप से बोला ये बच्चे मुझे चाहिए, इनको संगीत सिखाना है। तो समझ लीजिए उन्होंने बोले हम भी आपके हैं, हमारे बच्चे भी आपके हैं। बस बचपन से लेके उन्होंने हमारा सब कुछ जिम्मा लिया, पढ़ाई लिखाई विद्या सिखाने का, बस उन्हीं को समर्पित है। तो उन्होंने जो जो हुक्म किए वो करते आ रहे, संगीत की तरफ हमें लगाया, हम संगीत में समर्पित हैं और आगे फ्यूचर कहाँ जाना है क्या है ना, हम कुछ सोचते नहीं। और आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ याद है? बहुत है, बहुत एक ऐसा शेयर कर सकेंगे जो? हाँ जी बिल्कुल, पर्सनल तो यही है जी, एक बार जब उन्होंने ट्रेन में जा रहे थे और उन्होंने बोला कि लय और स्वर ताल को कैसे समझा जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणिनाथ आज मृदंग बजावे। मेरे गुरु जी की स्थिति है, कहते घना नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है, भुजाचारिक दंत चंद्रमा ललाट राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणिनाथ आज मृदंग बजावे। तो मेरे गुरु जी कहते थे पंडित किशन महाराज जी, बोले कौन सी मृदंग, धाके टके दगे तटे गदी के, बोले नहीं
बोले धट धरात धर धर कर ध्यान, बोले धट कहते हैं गुरु की दिवड़ी को, धट धरात धर धर कर ध्यान, और दिन दिन दी नागे 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 धन धन दिन। बोले धन है वो लोग जो गुरु की दिवड़ी पे आते हैं, मंदिर मस्जिद में रोज जाते हैं, धन है। बोले तिन ताके नाना त्रदी गिन ध्रिक ध्रिक, बोले जो उसकी कीर्ति को नहीं जानता उसकी आंखों को धिक्कार है। और बोले कीर्तक धरा ना तरा ना था। तो सदगुरु जी से जब इसकी बात हुई तो सदगुरु जी ने बोला, बेटा बात ऐसा है कि लय सुर को समझने के लिए दो चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं, एक तो आत्मसमर्पण, एक डेडिकेशन। ये जब हो जाती है, क्योंकि जो सुर है वो ईश्वर है, जो ताल है वो अर्थ है। बोले ये दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो परलय आ जाती है, इसलिए हमेशा अपने लय वाणी को और अपनी चाल को लय और सुर के साथ बोलना चलना है, तो उसमें तुम्हारा संतुलन बना रहेगा। ये उन्होंने बहुत ही अहम बात बताई। बिल्कुल। और क्या आप ये बोल सकेंगे सदगुरु जगदीश सिंह जी का संगीत ज्ञान के बारे में, जहाँ वो प्रकट कर सके? देखिए सदगुरु जगजीत सिंह जी ने बड़े बड़े पंडित विद्वान खान साहब लोगों को मनवाया। वो कैसे? क्योंकि अपनी मेहनत से, क्योंकि प्रोफेशनल वो कहीं स्टेजों पे नहीं गाते थे, इसी जगह पे सरोवर के किनारे में बिठा के सदगुरु जी ने बड़े बड़े कलाकार, पंडित महादेव कथक है ना, भाई उदो खान साहब है ना, भाई नसीरा जी और विलायत खान साहब है ना, और पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित राजन साजन मिश्रा, सभी ने यहाँ आके खिदमत किया और उनसे खूब आशीर्वाद लिया, और आज वो दुनिया में एक अनूठे ही हैं वो अपने स्थान पे। और उन्होंने बहुत बंदिशें दान में दी कलाकारों को, और आज वो गाते बजाते हैं स्टेजों पे और करोड़ों कमाते हैं। बिल्कुल, है ना। आप इतना बच्चों को सिखाते हैं? जी, बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिखाना तो क्या होता है कि खुद ही सीखना है। जिंदगी में अगर हम शागिर्द अच्छे बन पाए तो समझ लीजिए हमारा जीवन सार्थक है। अगर गुरु ही बनना है तो गुरु तो एक ही होता है मेरे भाई, उसको समझना और उसको स्मरण करना तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। कई किसी को पूछते हैं कि जी आपका कोई गुरु? बोले जी गुरु तो कोई नहीं है, शागिर्द बहुत है, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हम एक मानते हैं, हमारे सदगुरु एक हैं और एक ही रहेंगे, है ना। गुरु हमारे एक हैं, एक ही रहेंगे, बाकी हम शागिर्द हैं। हम अच्छे शागिर्द बन पाएँ तो हमारा जीवन सार्थक है। आप दो वर्ड जो बच्चों जो आपका वीडियो सुन रहे हैं उनको आशीर्वाद देके, उनको क्या, कैसा बड़ा होने का है, क्या आपका डेडिकेशन क्या था? जैसा बचपन से अपने आए तो आप कितना घंटे प्रैक्टिस किए, कैसा आपका डेडिकेशन था इसके? प्रैक्टिस जो है वो तो आपकी एक लाइफ में ऐसी जगह जुड़ जाता है कि जैसे सांस लेना, सोना है ना, वैसे उसका संबंध हो जाता है जब किसी को हम प्यार करते हैं। रही बात रियाज की, गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, उनके ऊपर अटूट विश्वास रखना, और सियाने लोग कहते हैं कि पानी पिए छान के गुरु करे ध्यान से। जब कोई विद्या या किसी भी स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं, पहले उसके बारे में जाना जाता है, पहले उसके बारे में देखा जाता है कि ये कहाँ पे उनका लेवल है, कहाँ तक ये लोग अपने बच्चे को लेके जाएंगे, वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज का जो क्या है कि कनाडा में, अमेरिका में ऐसे लोग बैठ गए जाके जिनको खुद तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो बच्चों को ऐसा गाइड करते हैं तो बच्चे कहीं पहुंच नहीं पाते। क्योंकि उनको ऐसा गुरु ध्यान में रखना चाहिए जिसके पीछे एक बैकग्राउंड ठीक हो, जो डेडिकेटेड हो, जिसके पीछे इतिहास जुड़ा हो। उनके साथ लगेंगे तो वो अपने आप को सही दिशा में रख पाएंगे और सही मायनों में उसका रिजल्ट निकलेगा। और अपने माता पिता की सेवा जिसने मेरे भाई कर ली, समझ लीजिए उसको ईश्वर मिल गई। क्योंकि फॉरेन कंट्री में क्या है कि हम लोग माँ बाप की सेवा करने में अचूक जाते हैं, है ना, पैसा बहुत कमा लेते हैं। जब हमारे माँ बाप बुजुर्ग होते हैं उनको हम लोग आश्रम में भेज देते हैं, है ना। उसका मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूँगा कि अपने माता पिता की सेवा करें, खूब धन कमाएँ, वो आपका आज ज़रूरत है, लेकिन माता पिता की सेवा इतनी ज़रूरी है क्योंकि माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है ना। उनको समझ लीजिए और अगल बगल सफाई रखें और डेडिकेटेड बन के रहें और स्वच्छ रहें। बस ये, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। फ्रेंड्स, वी एट bharatmark.com आर इन्वॉल्व इन सनातन धर्म प्रचार एंड ऑल्सो एक्सपोजिंग ऑल एंटी हिंदू एक्टिविटीज एंड फाइटिंग फॉर अवर देश एंड धर्म। जॉइन हैंड्स विद अस बाय लाइकिंग
www.facebook.com/bharatmarkpage, also at Twitter at bharatmark, and YouTube, just by subscribing, also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day, which goes around the world, by sending us a message at +1 647 964 4790.